अस्सलाम वालेकुम, हर शाम आदि आपका सीक्रेट डिनर चैनल के व्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स सी माय इंट्रो। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने कॉलेज का टूर, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हम दो सिस्टर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में एक पढ़ती है और एक कॉलेज में पढ़ती है। यूनिवर्सिटी का मैंने आपको ऑलमोस्ट जो है वो इंट्रो करवा चुकी थी। आज मैं आपको कराऊंगी अपने कॉलेज का टूर। आज मैं CIT की थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो आज मैं आपको अपना कॉलेज का टूर कराती हूँ। कितना प्यारा हमारा कॉलेज है, वाओ, बहुत बड़ा और बहुत ही प्यारा कॉलेज। मुझे तो अपना कॉलेज बहुत पसंद था, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आया है। मुझे बहुत एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो से मुझे लाइफ में बहुत आगे लेके जा सकती हैं। चले चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ हमारे कॉलेज में क्या क्या है। यह है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ब्राह्मवादीन गुजरात, GCTW गुजरात जिसे कहा जाता है। जाते हैं हम अपनी एंट्रेंस में। एंट्रेंस में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हॉल, छोटा सा हॉल। उसके बाद आ जाते हैं एक साइड पे जो है ऑफिसेज हैं टीचर्स के, ये आ जाती है एंट्रेंस ऑफिसेज। और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं मेन ऑफिसेज, ये आ जाती है हमारे पास स्टेयर्स जो कि ऊपर की तरफ जाती हैं। जाहिर सी बात है, स्टेयर्स तो ऊपर ही की तरफ जाएंगी। अब ये एक साइड पे हमारे पास क्लासेस हैं, इस साइड पे हम चलते हैं सबसे पहले। दूसरी साइड पे भी था लेकिन इस साइड पे हम सबसे पहले चलते हैं। ये हमारे पास कुछ क्लासेस हैं जिनके डोर बैक पे खुलते हैं। ये देखिए बाहर का व्यू, वाह कितना प्यारा हमारे बाहर का व्यू आता है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वहाँ पे हर तरह के वेजिटेबल्स वगैरह लगे हुए हैं, अंकल बहुत मेहनत करते हैं। ये है हमारे पास CIT फर्स्ट ईयर की क्लास, CIT सेकेंड ईयर की क्लास। ये एक अदद कूलर है जो हर कोई इधर से ही आगे पानी पी देता है। और ये क्या है, ये हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर लैब। क्लासेस जो हैं बहुत बंद हो चुकी हैं, क्योंकि मैं बाद में बना रही हूँ, कॉलेज ऑफ हो चुका है इस वजह से मैं बाद में बना रही हूँ। ये मैं सोचिएगा कि सुबह सुबह उठ के व्लॉग बनाने आ गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। छुट्टी हो चुकी है, मैं इस वजह से बना रही हूँ। ये हमारे पास वॉशरूम था। अब चलते हैं ऊपर, जल्दी चलो ऊपर। ऊपर क्या है, ये आ जाते हैं हमारे पास वॉशरूम। इसके नीचे भी बिल्कुल वॉशरूम था और ये भी वॉशरूम है। और ये आ जाते हैं मेरे पास कंप्यूटर लैब, DDM की कंप्यूटर लैब। DDM किसे कहते हैं, DDM इसे कहते हैं कि टेस्ट डिजाइनिंग मार्केटिंग। ये भी 3 ईयर्स का डिप्लोमा है। ये आ जाती है CIT थर्ड ईयर की क्लास, यानी कि मेरी क्लास। हालत पे नहीं जाना, जाहिर बात है रिसेस हो चुकी है और ऑफ हो चुका है, तो क्लासेस ऐसे ही होंगी। CIT कहते हैं कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और DDM कहते हैं ड्रेस डिजाइनिंग मार्केटिंग को। और ये है FD की क्लास, जो कि मैं आपको अब दिखाने लगी हूँ। ये है FD की क्लास जिसे कहते हैं फैशन डिजाइनिंग। ये है 1 ईयर्स का डिप्लोमा और बाकी जो है दो वो 3 ईयर्स डिप्लोमास थे। अब ये हमारे पास आ जाती है ड्राइंग हॉल, जो कि DDM का है। और ये कुछ एरिया है जो कि उन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है, कोई भी बच्चा है वो इधर आके बैठ सकता है। यहाँ पे कोई टेस्ट वगैरह होता है तो हम इधर बैठ कर देते हैं, या सनलाइट होती है तो हम इधर बैठ जाते हैं, ताकि जब सर्दियाँ वगैरह होते हैं तो बाहर आना पड़ता है धूप में। ये आ जाते हैं हमारे पास कुकिंग लैब, कुकिंग कोर्स भी है हमारे कॉलेज में। वाह, कुकिंग तो आती नहीं है यार। ये आ जाती है हमें दरमियान वाली स्टेयर्स जो है, मिड की स्टेयर्स जो आ जाती हैं कुकिंग वन, वो भी 1 ईयर का नहीं है, 6 ईयर्स का, 6 मंथ का डिप्लोमा है आई थिंक, सॉरी 6 मंथ का डिप्लोमा है। सर्टिफिकेट आई थिंक सो शायद मिलता है, मुझे इसका थोड़ा सा नहीं पता, इतना खास नहीं पता। और ये वो जगह है जिधर हम क्लास बंक करके बैठ जाते हैं। जो टीचर्स मेरे व्लॉग देखते हैं उनका तो पता चल ही जाता होगा, रोज भी नहीं करते लेकिन कभी 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 जाके। और ये है DDM की क्लासेस। ये आ जाती है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। अंदर से दिखाते हैं आपको अपनी लैब्स, हमारी जो है वो बार बार से नज़र आ जाती हैं, इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इधर भी कुछ कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा इधर ही होता है, हार्ड फॉर्म में होता है, हार्डवेयर हमारा काम होता है, तो इस वजह से हम इधर ही करते हैं। इसमें मीटर्स, प्रिंटर्स वगैरह, स्क्रूज वगैरह सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। इधर ये नहीं है कि सिर्फ आपने चीज़ें देखी, ये मत सोचना कि काम तो होता ही नहीं होगा, बस चीज़ें पड़ी हुई, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बच्चा जो है वो अपने अपने जगह पर ही काम करता है, हर बच्चे के पास अपनी अपनी जगह है, अपनी अपनी चीज़ है हर बच्चे के पास। ये नहीं है कि एक बच्चा काम कर रहा है तो 3-4 बच्चे उसे देख रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और ये आ जाती है DDM की हमारे पास मशीनें वगैरह, जिसे वो कपड़े स्टिच वगैरह करती हैं, जिसे स्विंग लैब कहा जाता है। हर बच्चे के इतने ज़्यादा स्विंग लैब के अंदर इतनी ज़्यादा मशीनरी पड़ी है कि हर बच्चा ईजिली अपना काम कर सकता है। ये आ जाती है ब्यूटिशन की कबर्स वगैरह, जिसमें अंदर ब्यूटिशन अपना जो है वो चीज़ें वगैरह रखती है। DDM थर्ड ईयर की क्लास और ब्यूटिशन की क्लास। ये बाकी सारी चीज़ें जो है वो बंद हो चुकी हैं, वो मैं कभी आपको जाके ना कभी कभी जब मैं व्लॉग
दोबारा बनाऊंगी इस चीज़ का, तो मैं आपको तब दिखाऊंगी कि बीच में क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कुछ बोर्ड्स वगैरह आ जाते हैं जो कि हर कॉलेज में लगे होते हैं, बस स्टूडेंट को तो पता ही है ही क्या है। ये आ जाते हैं केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब जो कि बहुत बड़ी है, इसको हमने मर्ज कर, हमने तो नहीं है कॉलेज पर उन्हें मर्ज कर दिया हुआ है। ये आ जाते हैं हमारे पास ऑफिस वगैरह टीचर्स के, जिसमें हमारे पास नैप्टिक लैब आ जाता है, DDM डिपार्टमेंट आ जाता है, CIT डिपार्टमेंट आ जाता है, और एक दो अदद और ऑफिस आ जाते हैं टीचर्स के। ये उन्होंने पूरा एक बोर्ड बना दिया होता था कि इस साइड पे ये चीज़ें हैं और दूसरी साइड पे वो चीज़ें हैं, ताकि बच्चे को ढूंढने में या फिर कोई भी बाहर से कोई पर्सन आता है तो उसको ढूंढने में ईजी हो जाए कि कौन सी चीज़ किधर है। अब आई होप आपको मेरा जो है वो कॉलेज अच्छा लगा होगा, अंदर से भी बाहर से भी अच्छा सा लगा होगा। और प्लीज़ आप तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दे, शेयर करके सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए दोबारा चलते हैं, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके और आप अच्छे अच्छे से व्लॉग देख सके। आई होप आपको मेरा आज की वीडियो अच्छी लगेगी। टाटा टाटा बाय।